हेलो, आवाज आ रही है सभी को? कल लास्ट लेक्चर में हमने क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह वो सब बताया था। नाउ आज थोड़ा उस पार्ट को हम डिटेल से पढ़ा देते हैं। तो हेडिंग डालो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तो देखो क्या है, हम यहां पर P वर्सेज VM ग्राफ बनाते हैं। तो हमें कोई लो टेम्परेचर रखते हैं, उस लो टेम्परेचर पर हमारे पास कोई गैस है, उस गैस को धीरे धीरे हम कंप्रेस करते हैं। आदित, हमने साफ साफ बताया था कि मोलार मास एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा है केमिकल बॉन्डिंग यूज होगा। तो NH3 में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, दैट्स व्हाई NH3 विल बी द आंसर। तो केमिकल बॉन्डिंग यूज होगा, हमने लिखवाया भी है तुम्हें कि A जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो P वर्सेज VM की अगर हम बात करें, और बाकी अद्वित मैंने ग्रुप पर लिंक भी शेयर किया है, ग्रुप पर वीडियो सॉल्यूशन का लिंक भी शेयर किया है, वो देख लो एक बार। तो P वर्सेज VM अगर हम ग्राफ देखें, तो लो टेम्परेचर रखते हैं हमको एक, उस लो टेम्परेचर पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, उस लो टेम्परेचर पर क्या करें, प्रेशर अप्लाई करें। तो अब देखो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इस टाइप से डिक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीज हो रहा है, तो गैस है हमारे पास और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। फिर क्या होगा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद में जो गैस मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाएंगे कि वो आपस में मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब इतने पास में आ गए कि लिक्विड में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पर होगा, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। एंड जैसे ही हमारे पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आया, उसके बाद फर्दर हमारे पास कन्वर्जन नहीं होगा लिक्विड मॉलिक्यूल में। तो फिर और अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए ये हमारे पास वर्टिकल टाइप लाइन आ जाता है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा अगर होगा तो, अदरवाइज वॉल्यूम कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने एक लो टेम्परेचर टी वन पर एक्सपेरिमेंट किया। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते। ओके, पहले हमारे पास लो टेम्परेचर रखा हमने टी वन, अब टेम्परेचर थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं एंड टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा के कर देते हैं और उसको वॉल्यूम टी टू ले लेते हैं। थोड़ा सा हायर टेम्परेचर जब हम करेंगे सेम चीज फिर से करते हैं, उस हायर टेम्परेचर पर हम गैस को फिर से कंप्रेस करते हैं, हम बोलते हैं कि उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इस टाइप से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। एंड एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद यहाँ पर भी क्या है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, लेकिन देखो क्या है, एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है ना। तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो पहले जितने गैस मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे थे लिक्विड में उतने कन्वर्ट नहीं होंगे, उससे कम कन्वर्ट होंगे। That's why horizontal line उसकी length थोड़ी कम आ जाएगी and इस टाइप से हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये टेम्परेचर थोड़ा सा हमने हायर लिया टी टू टेम्परेचर, अब इससे भी थोड़ा सा हायर टेम्परेचर हम ले लेते हैं तो वहां पर horizontal line जो और छोटी हो जाएगी। फिर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जो horizontal line है ये पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी। horizontal line क्या है, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये वो हमारे पास पॉइंट आ गया। तो ये जो टेम्परेचर जिसमें पॉइंट में कन्वर्ट होगी, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं टी। एंड इसे हायर टेम्परेचर अगर हम लेंगे तो फिर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होगी। ठीक है, इसे हायर टेम्परेचर पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो गैस फिर लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होगी। तो हमने हायर टेम्परेचर को ही ले लिया टी फोर। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कुछ ऐसा है, टी फोर सबसे ग्रेटर है, फिर उससे कम है टी सी,
फिर उससे कम है T3, उससे कम है T2, उससे कम है T1, तो इस टाइप से हमारे पास एक टेम्परेचर है। तो अब देखो तो अभी हमने जो बनाया है, राइट हैंड साइड में हमारे पास गैस है, ठीक है, बीच में गैस एंड लिक्विड दोनों है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लिक्विड, ठीक है, कन्वर्जन होने के बाद क्या हो गया, वो लिक्विड आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लिक्विड। तो अब देखो एक टीसी टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हमने लिया T4, वहां पर गैस जो है लिक्विफाई नहीं होगी, उससे कम पर क्या है, गैस लिक्विफाई हो रही है। तो ये जो प्रेशर है इस क्रिटिकल पॉइंट पर, यहाँ पर जो प्रेशर आया है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं पी सी, ठीक है, ये जो प्रेशर है ये क्या है, दिस इज पी सी। इसके अलावा इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम है, इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो वॉल्यूम है, इस पॉइंट मतलब इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं वी सी। This volume is BC, ठीक है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखा देते हैं। तो एट लोअर टेम्परेचर या एट लो टेम्परेचर T1 ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस टिल ए पर्टिकुलर वॉल्यूम आफ्टर दैट वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर and a horizontal line is observed in graph, ठीक है, तो हमें horizontal line मिल जाएगा graph में। लिखो फिर आगे और लिखाते हैं।
हो गया सबका? हो गया सभी का? नाउ हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, क्योंकि फर्दर लिक्विड मॉलिक्यूल जो है उनमें कन्वर्जन नहीं होगा। तो आफ्टर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम फर्दर लिक्विफिकेशन इज नॉट टेक प्लेस या इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ऑन अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम वॉल्यूम रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट एंड ए वर्टिकल लाइन is observed in graph, ठीक है। अब इसके बाद at higher temperature जो length of horizontal line है वो क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि at higher temperature attraction force decrease हो जाएगा, और attraction force decrease हो रहा है तो obviously जो जितने molecules low temperature पर liquid में convert हो रहे थे उससे कम molecules high temperature पर liquid में convert होंगे। तो at higher temperature the length of horizontal line decreases because at higher temperature attraction between gas molecules will be less, that is less number of
या हम बोल सकते हैं लेस लिक्विफिकेशन, है ना, दैट इज लेस लिक्विफिकेशन। तो हायर टेम्परेचर पर लिक्विफिकेशन कम होगा। लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका? हो गया सबका? तो अब देखो, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने बोला कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे एंड उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो एट ए टेम्परेचर
दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉइंट कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट. This temperature is critical temperature. ठीक है. Gas cannot be liquefied. Gas cannot be liquefied. Beyond this temperature. तो देखो critical temperature का फिर definition क्या हो गया. तो temperature या a minimum temperature above which a gas cannot be liquefied is called critical temperature. ठीक है. एक मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो वो कौन सा मिनिमम टेम्परेचर जिसके हम जिसके ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे.
ओके सो ये टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा? तो देखो ये प्रेशर जो है, अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर मिनिमम कितना प्रेशर लगेगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए? पीसी ना, पीसी से कम प्रेशर अगर हम लगाते हैं तो ऑब्वियसली गैस लिक्विफाई नहीं होती एट क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। तो मिनिमम प्रेशर अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर या एट टीसी टू लिक्विफाई गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, ये हम बोल सकते हैं पीसी, ठीक है। इसके अलावा मोलार वॉल्यूम जो है एट क्रिटिकल पॉइंट, मोलार वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट क्या है, बीसी है या क्रिटिकल वॉल्यूम है? तो मोलार वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट मोलार वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, इसको हम वीसी से रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो ये टीसी पीसी और वीसी तीनों को हम क्रिटिकल कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ओके। टीसी पीसी एंड वीसी आर कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट, ओके। पीसी पीसी वीसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में, मतलब उनका फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बताया था, बट उस फॉर्मूले को डिराइव कैसे करते हैं तो वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो टीसी पीसी और वीसी का डेरिवेशन भी बता देते हैं। हो गया सबका, नाउ डेरिवेशन देख लेते हैं इसकी। तो देखो हमारे पास P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। नाउ ओपन करेंगे तो पी वी एम प्लस ए बाय वी एम माइनस पी बी माइनस ए बाय वी एम स्क्वायर एंड ये लेफ्ट हैंड साइड आया तो माइनस आर टी इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास हुआ। तो इस पूरी इक्वेशन को हम वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और पी से डिवाइड, ओके।
सो बेसिकली इसको ऐसे बोल सकते हैं वीएम स्क्वायर बाय पी से मल्टीप्लाई करना, ओके वीएम स्क्वायर बाय पी से, तो ये हो गया वीएम क्यूब। इसके अलावा वीएम स्क्वायर बाय पी से किया तो ये हो गया ए बाय पी इंटू वीएम। सेकेंड वाला पार्ट हो गया बी इंटू वीएम स्क्वायर। थर्ड वाला हो गया ए बाय पी, एंड ये वाला हो गया आर टी इंटू वीएम स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू जीरो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं वीएम क्यूब माइनस बी प्लस आर टी अपॉन पी इंटू वीएम स्क्वायर प्लस ए बाई पी इंटू वीएम माइनस ए बाई पी इक्वल टू जीरो। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, ओके हमारे पास ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, तीन रूट होते हैं। अब यहां पर क्या है, ऑल थ्री रूट्स आर रियल बोलो सर, माइनस पी बी माइनस ए बी बाई बी एम स्क्वायर आना चाहिए ना, माइनस पी बी किधर सर, सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन, वन मिनट, पी वी एम ए वी एम माइनस पी बी एंड माइनस, यस माइनस ए बी, ये वाला ना, तो माइनस ए बी बाय वी एम स्क्वायर आना चाहिए। सो वी हैव मल्टीप्लाइड बाय ए बी बाय पी ना, सो ए आएगा एंड दिस इज ए बी बाय पी, है ना, अभी करेक्ट है। सो अभी क्या रॉन्ग है क्या, यस सर बोलो। यस सर, सर अपने मतलब यहाँ पे वीएम क्यूब से मल्टीप्लाई किया सर, तो वहां पे नहीं आएगा सर, माइनस बी बाय पी वहां पे आएगा ना, वीएम क्यूब प्लस बाय पी से we have divided by p also, yes sir, but ye wala jo term hai sir minus e a b by a b v m square sir, wahan pe a ki b, yes sir, which line sir, third line mein jahan pe aapne abhi b add kiya sir, ha sir wahan pe पहले एक ही वीएम हुआ ना सर, लेकिन जहाँ पे आपने सेकेंड लाइन में बी ऐड किया वहां पे दो वीएम थे सर डिनोमिनेटर पे, मतलब वीएम स्क्वायर था ना। देखो ये हमारे पास आया ना, ये सेकेंड लाइन है, यस सर, इसमें हमने क्या है कि इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया वीएम स्क्वायर बाय पी से, ओके सो वीएम स्क्वायर बाय पी से किया, वीएम स्क्वायर बाय पी से किया तो पी कैंसिल आउट हो गया ना, एक मिनट याद करो, कुछ कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या सर, वीएम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वीएम स्क्वायर यहां पे कट जाएगा ना, इसमें कोई चेंज नहीं आया और इसमें चेंज आया ना, इधर ना ऐसे बोल रहे हो, यस सर, यस सर, ओके अच्छा, हां मतलब मैंने इधर गलती से कर दिया था, सो वीएम स्क्वायर बाय पी से किया मल्टीप्लाई, तो अभी भी कुछ मिस्टेक है क्या, यस दिसिता बोलो, मल्टीप्लाई पी से डिवाइड, दिस इज वी एम क्यू, दिस इज वी एम बाय ए इंटू वी एम बाय पी, दिस इज we multiplied by vm square and divided by p, so okay okay ye bhi thoda mistake hai yahan par b aayega ha na, yes sir, okay and then vm square by p se kiya to vm square by p se ye aa gaya correct and I think this is also correct, so vm cube minus a my rt by p AB by P, AB एक मिनट कुछ और भी आ रहा है,
प्लस ए बाय पी इंटू वी एम एंड माइनस ए बी बाय पी, अभी करेक्ट है क्या? अभी इट इज करेक्ट क्या? है ना, अभी करेक्ट है। हाँ, तो नाउ ऑल, अब देखो इस इक्वेशन के क्या तीन रूट्स हैं, सो ऑल थ्री रूट्स आर रियल एंड आइडेंटिकल, ठीक है, रियल आइडेंटिकल एंड इक्वल टू टू वी सी एट क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज द, कुछ और भी डाउट है क्या? ओके, सो तीन रूट होंगे, तीनों रूट रियल है, आइडेंटिकल है एंड इक्वल टू क्या है? वी सी एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सो अब हम इसको मतलब क्यूबिक इक्वेशन लिखेंगे इसका, ऑलरेडी क्यूबिक इक्वेशन है बट हम एक दूसरा क्यूबिक इक्वेशन लिखेंगे देन कंपेयर करेंगे। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो इस पर हमें पता है वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज वी। ओके, तो वही है कि इसके तीन रूट जो है उनका तीनों का वैल्यू क्या है यहाँ पर, वी सी के इक्वल है। ओके, तो मोलार वॉल्यूम जो है वो वी सी के इक्वल होगा एट क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो हमारे पास जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, मान लो एक्स की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो एक्स की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट मान लो रूट की वैल्यू थ्री है, तो ऐसे बोलते हैं ना यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती ना, है कि नहीं? अगर हमारे पास कोई एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट का वैल्यू थ्री है तो ये इक्वेशन होगी नहीं होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है ना, दो रूट है दोनों सेम है और वैल्यू क्या है, थ्री है। नाउ यहाँ पर एक्स का इक्वेशन है, यहाँ पर किसका है, वी एम का इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन है और तीन रूट है, तीनों का वैल्यू जो है सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन ये होगी वी एम माइनस वी सी रेस टू थ्री इक्वल टू जीरो, होगी नहीं होगी बताओ? वी एम माइनस वी सी रेस टू थ्री इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना, है कि नहीं? क्यूबिक इक्वेशन है वी एम की, ओके, वी एम की एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो उस क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट है और तीनों रूट का वैल्यू जो है वो वी सी के इक्वल है, तो ऑब्वियसली वो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन यही वाली है ना। तो अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे। हो गया सबका ना, तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करके देखो क्या मिलेगा। सो इट इज वी एम क्यूब देन माइनस थ्री वी सी वी एम स्क्वायर प्लस थ्री वी एम वी सी माइनस वी सी रेस टू थ्री इक्वल टू जीरो, यही होगा ना? नहीं एक मिनट, कुछ मिस्टेक किया था ना, थ्री वी एम स्क्वायर वी सी, नो थ्री वी एम वी सी स्क्वायर, हाँ करेक्ट है। ओके, अब इसको हम करेंगे कंपेयर, तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो बी प्लस आर टी बाई पी जो है वो क्या हो गया, बी प्लस
आर टी बाई पी जो है उसकी वैल्यू आ गई 3 into VC। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसके अलावा ए बाई पी जो है इसका वैल्यू क्या आ गया, ए बाई पी का वैल्यू आ गया अपने पास 3 into VC square। दिस इज इक्वेशन 2। एंड ए बी बाई पी जो है ये किसके इक्वल हो गया, ए बी बाई पी जो है ये हो गया वी सी रेस टू पी के इक्वल, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 3। तो अगर हम यहां पर इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करें तो ठीक है, सो क्या आएगा, वी सी रेस टू 3 डिवाइड बाय 3 वी सी इक्वल टू ए बी बाई पी एंड पी बाई ए। तो देखो पी से पी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, तो यहां से क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, वी सी बाई 3 हुआ। तो वी सी का वैल्यू क्या आ गया, इट इज 3 टाइम्स ऑफ बी। आया कि नहीं आया, वी सी 3 टाइम्स ऑफ बी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में वी सी बाई 3 बचा एंड दैट इज इक्वल टू बी। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, वी सी इज इक्वल टू सी बी आई। ओके, सो यही वैल्यू बताई थी हमने लास्ट लेक्चर में भी। तो ये हमें वीसी मिल गया, नाउ वीसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें टीसी और पीसी वगैरह भी मिलेगा। तो इस टाइप से हम डिराइव करेंगे, लिख लो फिर आगे चलते हैं। हो गया सभी का, तो ये हमारे पास आ गया वीसी। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसने सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी में भी कर देते हैं सेकंड या थर्ड में, तो पीसी मिलेगा, मतलब सेकंड में कर देते हैं। ए बाई पी जो है, ए बाई पी क्या है, 3 into VC square है ना, तो 3 into VC square मीन्स 3 into VC क्या है, वीसी 3 बी, तो इसका स्क्वायर। तो ये ए बाई पी अपने पास क्या आ गया, ए बाई पी आ गया अपने पास 27 बी स्क्वायर। ऑब्वियसली दिस पी इज नथिंग बट पी सी, है ना, तो पी आ गया ए बाई 27 बी स्क्वायर, जो तो ये जो पी है दिस इज नथिंग बट पी सी।
सो ए अपॉन 27 बी स्क्वायर, तो ये पीसी आ गया। नाउ व्हाट अबाउट टीसी, तो टीसी के लिए क्या करें, टीसी के लिए ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ले लेते हैं, तो पी बी प्लस आर टी बाई पी इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू थ्री टाइम्स वी सी है ना, तो थ्री टाइम्स वी सी को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज थ्री टाइम्स ऑफ थ्री बी, ये हम बोल सकते हैं नाइन बी, तो यहाँ से आर टी अपॉन पी क्या आया, ये हो गया एट बी, तो टी क्या आ गया, टी आ गया एट बी अपॉन आर इंटू पी, दैट इज एट बी अपॉन आर, एंड पी क्या है, पी इज ए अपॉन 27 बी स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ से, तो क्या हुआ टीसी, सो टीसी यहाँ पर आ गया अपने पास, बी से एक बी कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज एट ए अपॉन 27 आर, क्लियर है, एट ए अपॉन 27 आर, तो ये हमारे पास आ जाएगा टीसी, तो ये टीसी पीसी एंड वीसी तीनों का वैल्यू आपके, ओके तो यही हमने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी बताया। हो गया सबका, तो ये हमारे पास तीनों कांस्टेंट आ गए टीसी पीसी एंड बी, ओके, तो हमने वो तुम्हें बताया है ऑलरेडी कि यार क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उससे कम टेम्परेचर होना चाहिए और क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होना चाहिए ना, अगर ऐसा है तो आराम से गैस क्या होगी, लिक्विफाई हो गया ना, तो हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वाला पार्ट हो गया। अच्छा एक और पार्ट है वैसे, उसका बुकलेट में कुछ थ्योरी वगैरह कुछ है नहीं, बट एक पैराग्राफ दिया है क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट एक ले लेते हैं, तो मेनली चैप्टर तो हो गया बट
एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं यहाँ पर, पेलोड, जिसे हम लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ बलून भी बोल सकते, लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ बलून या एयर बलून बोल दो। तो गैस फिल्ड बलून जो है अपने साथ कितना मास जो ऊपर लेके जा सकता है, दैट इज पेलोड या उसका लिफ्टिंग कैपेसिटी। तो देखो क्या है, अगर हम किसी बलून के अंदर एयर से लाइट गैस भर दे तो वो बलून जो है वो ऑब्वियसली क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो जितना डिफरेंस होगा मास में उतना मास वो साथ में अपने लेके जा सकता है, ठीक है। सो इफ गैस लाइटर देन एयर इज फिल्ड इनसाइड बलून, देन ठीक है, इफ गैस लाइटर देन एयर इज फिल्ड इनसाइड बलून, देन बलून राइजेज अप। ठीक है, तो बलून जो है ऊपर जाता है, तो अपने साथ वो कितना मास लेके जा सकता है, तो उससे हम बोलेंगे पेलोड। तो देखो इसे निकालने का जो फॉर्मूला ये होगा, मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ गैस, जनरली ये रहेगा पेलोड, जनरली ये रहेगा, बट कई बार हो सकता है तुम्हें बलून का भी मास दिया हो, सो वी हैव टू कंसिडर मास ऑफ बलून ऑल्सो, सो दिस इज पेलोड। ओके, मास ऑफ एयर कितना है, माइनस मास ऑफ, मतलब मास ऑफ एयर डिस्प्लेस एक्चुअली, ठीक है, कौन सा मास है, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, उतने पार्ट में कितना मास ऑफ एयर आ सकता है, ओके। सो यस, आर्किमिडीज का ही प्रिंसिपल हो गया एक तरह से, है ना। तो ये मास ऑफ एयर कौन सा, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड एक्चुअली, है ना, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, उतने बलून में कितना मास ऑफ एयर आ सकता, वो वाला मास। ओके,
इसके अलावा मास ऑफ गैस मतलब ऑब्वियसली कितना मास हमारे पास बलून के अंदर है, वो गैस का मास एंड देन मास ऑफ बलून. सो दिस इज नथिंग बट पेलोड. ओके, या इतना मास जो है वो बलून अपने साथ ऊपर लेके जा सकता है. क्लियर है? सो अभी इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं. मैं तो कॉन्सेप्ट तो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, है ना, ये तो एक लाइक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया. तो इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके, तो चलो ले लेते क्वेश्चन. तो डिटरमाइन पेलोड ऑफ 10^6 लीटर बलून फिल्ड विथ हीलियम गैस एट 27 डिग्री एंड 1 एटीएम. ठीक है, तो अगर बलून का मास नहीं दिया तो ऑब्वियसली यू कैन टेक बलून एज मासलेस, मतलब उसका मास क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो. एंड एयर जो उसका कंपोजिशन क्या लोगे तुम, एयर में 80% ले लो N2 एंड 20% ले लो. ठीक है, ये एयर का कंपोजिशन ले सकते हो. तो निकालो पेलोड. ठीक है, पेलोड क्या हो,
आई आंसर। तो देखो बलून को तो मासलेस ले ही सकते हैं, है ना। नाउ हमने बोला मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, नाउ मास ऑफ एयर डिस्प्लेस मतलब जो जितना वॉल्यूम का अभी बलून है उस बलून में कितना मास आ सकता था एयर का, समझा है, दैट इज मास ऑफ एयर डिस्प्लेस। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे यार नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बलून में वो देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, पी वी अपॉन आर टी। सो व्हाट इज पी, प्रेशर इज 1 atm, वॉल्यूम इज 10:6, डिवाइड बाय आर इज, आर को 1/12 ले सकते हैं, एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो कितना आया ये नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, इट इज 4 × 10^4 ना, ठीक है। नाउ पेलोड क्या होगा, इट इज मास ऑफ एयर डिस्प्लेस माइनस मास ऑफ गैस। तो मास ऑफ एयर क्या होगा, नाउ वी कैन राइट इट एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इनटू मोलार मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ गैस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू मोलार मास ऑफ गैस। अब देखो उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स ही रहेंगे, है ना, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता ही है ना। तो वी कैन राइट इट एज मास ऑफ मोलार मास ऑफ एयर माइनस मोलार मास ऑफ गैस। तो क्या आएगा ये, सो 4 × 10^4 इंटू मोलार मास ऑफ एयर माइनस मोलार मास ऑफ गैस क्या हो गया, अच्छा 28% N2 एंड 20% O2 के अकॉर्डिंग मास ऑफ एयर क्या आएगा, मोलार मास ऑफ एयर क्या आएगा बताओ, मोलार मास ऑफ एयर कैसे निकालेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास से, तो वो कितना आएगा 28.8 आ रहा होगा शायद, 80 × M1V1 N2 M1 plus N2 V2 divided by N1 plus N2 okay, almost उस वाले concepts यहाँ पर करेंगे। तो 80 × 28 plus 20 × 32 divided by 100, तो यहां से मोलार मास आ रहा होगा 28.8। सो मोलार मास ऑफ एयर क्या आ रहा है 28.8, है ना, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 28.8 माइनस मोलार मास ऑफ गैस, गैस कौन सा, हीलियम है ना, दैट इज 4। तो क्या आया ये, दिस इज 4 × 10^4 × 24.8 कितना आएगा, बोलो सर ये आएगा किस, मतलब ग्राम्स में आएगा कि केजीज में आएगा, पेलोड ग्राम्स में आएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स को जब मोलार मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी यूनिट आती है बता, नंबर ऑफ मोल्स को जब मोलार मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा आता है, ग्राम आता है ना, ओके। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 99.2 × 10^4 और यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी ग्राम, ओके। कौन सा यूनिट होगा, ग्राम यूनिट होगा। तो केजी में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 992 kg, ओके। केजी में अगर तुम्हें लेना है तो क्या आ जाएगा, 992 kg आ जाएगा, ओके। सो दैट इज पेलोड, मतलब ऑलमोस्ट 1000 kg जो है साथ में लेके जा सकते हैं, ओके। ऑलमोस्ट 1000 kg, मतलब 992 kg, ये 1000 kg जो है बलून अपने साथ में ऊपर लेके जा सकता है, क्लियर है सभी को, सो दैट इज पेलोड। तो दैट्स इट, तो चैप्टर जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया है, होमवर्क हमने कल भी दे दिया था, फिर से एक बार दे देते हैं, सो फुल चैप्टर विल बी होमवर्क। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन का लिंक मैंने कल शेयर किया था ग्रुप पर, एक बार देख लेना।
तो कोई भी तुम्हें डाउट होगा तुम वहां से क्लियर कर सकते हो। मेन पार्ट यार अभी हमने इसलिए कल ही करा दिया था चैप्टर, है ना, आज तो जस्ट डेरिवेशन वाला पार्ट कराया तो कल ही हमने करा दिया था, बाकी एटलीस्ट फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट कर लो। ओके, एटलीस्ट फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर टाइम बचता है देन यू कैन अटेम्प्ट गेट इक्विप, मतलब ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, है ना, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव हो गया, देन गेट इक्विप टू जेई मेन हो गया, है ना, विंडो टू जेई मेन हो गया, एटलीस्ट इतना वाला पार्ट कर सकते हो, जेई मेन वाला पार्ट एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, देन बाकी बचा हो बाद में भी करोगे चलेगा। सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, बाय, टेक केयर।